दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेट की ऐसी समस्या के बारे में जो कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कॉमन सी हो चली है, पेट फूलने और गैस बनने की समस्या के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही परेशानी पैदा कर सकती है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेट फूलना और गैस बनने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट फूलना और गैस बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनहेल्दी फूड के बारे में, जिसको हम बैलेंस डाइट नहीं बोल सकते हैं। उसके अंदर जंक फूड, तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन और प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जो फूड पहले से तैयार होता है। इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन, जो कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उनका यूज करना। दूसरा हम लोग बात करेंगे पाचन संबंधी समस्याओं के बारे में। IBS मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये पाचन तंत्र का एक विकार है जिसके कारण बार बार एब्डोमिनल दर्द और कब्ज या दस्त की समस्या बनी रहती है। आगे हम बातचीत करने वाले हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में, मींस लैक्टोज असहिष्णुता। ये कैसी कंडीशन होती है जिसमें लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ का सेवन करने के बाद आपको पाचन संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सूजन आ जाना, दस्त हो जाना, गैस का बन जाना। देखिए, लैक्टोज एक चीनी है जो प्राकृतिक रूप से दूध और दूध से बने हुए उत्पादों जैसे पनीर या फिर आइसक्रीम में पाई जाती है। दोस्तों इसके आगे हम लोग बात करें तो खाने के साथ पानी का पीना। देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के साथ साथ पानी भी गटकते जाते हैं। ये आदत भी गैस ज्यादा बनने और ब्लॉटिंग की समस्या के लिए बहुत ही जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए आपको खाना खाते समय या इसके तुरंत बाद पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने से 30-45 मिनट्स पहले या फिर 30-45 मिनट्स बाद में ही आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपका जो आहार है वो ठीक से पचेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका डाइल्यूशन बढ़ जाता है और वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मुंह के अंदर खाने को चबाना चाहिए। इसलिए आपसे डॉक्टर कहते हैं कि एक बाइट को तकरीबन 32 टाइम्स आपको चबाना चाहिए। इसी तरीके से लाइपेज जो एंजाइम होता है वो फैट का ब्रेकडाउन करता है। जितना भी फैट आप यूज करते हैं, जैसे आप तेल, घी, पनीर आदि का यूज करते हैं, तो लाइपेज के द्वारा उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। इसी के साथ साथ ट्रिप्सिन, पेप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन करता है। आगे बात करेंगे सीलिएक रोग के बारे में। देखिए, ये गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है जो अनुवांशिक रूप से होती है। यहाँ पर ग्लूटेन के सेवन से छोटी आंत को क्षति पहुंचती है। इसी के अलावा यदि आपको एसिडिटी रहता है, अन्य कारणों में यदि हम जाएं तो यदि आप तनाव रखते हैं या किसी रीजन से आपको तनाव है, साथ में आप धूम्रपान करते हैं या फिर आप बहुत तेजी के साथ भोजन करते हैं, ये भी एक प्रॉपर रीजन हो सकता है। क्योंकि बहुत तेजी से खाना खाने से भी जो एयर होता है वो स्टोमक के अंदर एंटर करता है। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आपको व्यायाम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता हो। अब हम लोग बात करेंगे पेट फूलना और गैस बनने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको पेट फूलने की और गैस बनने की समस्या है। इसमें पेट में सूजन आता है और भारीपन रहता है, पेट में दर्द या फिर ऐंठन का अनुभव होता है, गैस पास होता है, बार बार डकार का आना, पेट में गड़गड़ाहट सा रहना, कब्ज, दस्त या फिर अन्य पेट से संबंधित विकार जो आप देख पा रहे हैं या फिर महसूस कर पा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं पेट फूलना और गैस से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जीवन शैली में बदलाव करना ही होगा, स्वस्थ भोजन खाना होगा, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन, मीन्स जो वीक प्रोटीन होता है जो प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो सकता है, उसको आपको यूज करना है। जंक फूड, तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन और जो प्रोसेस्ड फूड होता है उससे आपको बचना है।
दोस्तों, सर्दियों में लोग अक्सर पालक और पत्ता गोभी ज्यादा यूज करते हैं और ये दोनों ही सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। मगर इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पेट में गैस का कारण बनती है। इसके अलावा चना, चने की दाल, बीन्स या बेसन से बने हुए फूड्स, मैदा, राजमा, छोले आदि के सेवन से भी पेट में गैस और ब्लॉटिंग की समस्या बनी रहती है। तो इस समस्या के छुटकारे के लिए आपको इनका यूज कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, इसी के अलावा आपको दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन कम से कम करना चाहिए यदि आपका बॉडी लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, रोजाना आपको 8 से 10 ग्लास पानी का लक्ष्य रखना ही चाहिए जिससे आपका बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड हो सके। आप यदि धूम्रपान करते हैं तो आपको उसको छोड़ देना है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो उसको भी आपको बाय बाय बोल देना है। आप यदि किसी भी तरीके का तनाव लेते हैं तो उसको भी आपको धीरे धीरे रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि तनाव किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। आप योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस सेक्शन के पड़ाव पर हैं जहां हम लोग बातचीत करने वाले हैं घरेलू उपायों के संदर्भ में। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी की जो आपके पेट में किसी भी तरीके की यदि समस्या है तो उसका 100% वो समाधान हो सकता है। दोस्तों, यहां हम सबसे पहले बात करेंगे जीरा, अजवाइन और सौंफ पाउडर बनाने की रेसिपी के बारे में। इसमें आपको जीरा 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच और सौंफ 1 चम्मच, ये तीनों ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। पाउडर बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले आपको जीरा, अजवाइन और सौंफ को धीमी आंच पर भून लेना है। भूनने के बाद इसे ठंडा कर लें और मिक्सर जार में डालकर इसका चूर्ण बना लेना है। इसके बाद में इसको आपको ग्लास के जार में स्टोर करके रखना है। अब आप रोज सुबह 1/2 चम्मच पाउडर को 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ पेट फूलने में इस पानी का सेवन किया जा सकता है। ये बहुत ही लाभकारी रेसिपी मानी जाती है। इस फॉर्म को आप अदर वे में भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपको 1 चम्मच जीरा लेना है, 1 चम्मच आपको अजवाइन लेना है और 1 चम्मच सौंफ को लेना है और रात्रि को इसको एक मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। भिगोने के बाद में सुबह इसको धीमी आंच पर आपको उबालना है। उबालने के बाद में आप इसको छान करके यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसको आपको भूखे पेट ही यूज करना है। दोस्तों, इसके अलावा आप अदरक का यूज कर सकते हैं। पेट फूलने पर अदरक का पानी पीना बहुत ही बेहद फायदेमंद माना जाता है। अदरक के पानी को बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हल्के गर्म पानी में अदरक के टुकड़े या फिर इसको क्रश करके डाला जा सकता है। इसके बाद आप इसे थोड़ा सा बॉइल कर लें, बॉइल करने के बाद छान करके ठंडा कर लें और ऐसा करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आप गर्मियों में वैसे भी पुदीना यूज कर सकते हैं, तो पुदीना पेट में गैस और सूजन को कम करने में मदद करता है। आप पुदीने की चाय भी यूज कर सकते हो या पुदीने की पत्तियों को आपके भोजन में शामिल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी के हींग का भी यूज कर सकते हैं। हींग पेट में गैस को कम करने में मदद करता है। आप हींग को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप घरेलू उपाय अपना कर भी आप अपने पेट की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके की समस्याओं के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।